हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल अकाउंट्स योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपके लिए एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बताऊंगा और ये जो कॉन्फ़िगरेशंस है बहुत ही यूजफुल है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि मेरे पास जो इनवॉइस का फॉस का जो सिस्टम है वो आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से इसकी विंडो दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सी बार जो भी किसी भी पार्टी का इस तरीके से उनसे या तो कॉन्फ़िगरेशन छिड़ जाती है या फिर वो ऐसा चाहते हैं कि मेरे पास जो आइटम का जो स्पेस है, यानी आइटम का जो नाम का स्पेस है, ये बिल्कुल बहुत छोटा है। यानी इसमें 10 से 15 वर्ड आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ज़्यादा वर्ड आए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्या आपके हिसाब से वीजी सॉफ्टवेयर के अंदर डिसाइड कर सकते हो कि आइटम का नाम है वो बड़ा आना चाहिए, या फिर HSN कोड है, या फिर MRP है, या क्वांटिटी है, या जो भी प्राइस है, तो इसका जो कॉलम है उसको क्या आप छोटा कर सकते हो या फिर इसको बड़ा कर सकते हो? क्या वीजी के अंदर इस तरह का ऑप्शंस रहता है? जी बिल्कुल रहता है। अगर आपके भी इसी तरह की समस्या है कि आपका आइटम का नाम पूरा दिखाई नहीं देता है, तो आप इस समस्या का सॉल्यूशन कर सकते हो। किसके माध्यम से? इस वीडियो को देख के आप आपकी जो भी समस्या है उसका सॉल्यूशन पा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपका फॉस में आप बिल बनाते हो और आपका आइटम का नाम है वो छोटा दिखाई देता है, या फिर ऐसी वैल्यू जो आपका जैसे क्वान्टिटी है, क्वान्टिटी का यहाँ पर फिक्स है कि आप 5 या 6 क्वांटिटी आप लिख सकते हो, 10 डिजिट की मैं लिखना चाहता हूँ, तो उसमें स्टार ना आए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सिंपल, आपके पास जैसे कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, आप बड़ा करना चाहते हो या फिर छोटा करना चाहते हो, इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, Alt+F आपको प्रेस करना है। इसके बाद वाउचर सीरीज कॉन्फिग्रेशन पर आपको क्लिक करना है, सेल्स पे क्लिक करना है और आपकी जो भी सीरीज है जिसमें आप बिल बनाते हो उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद वाउचर कॉन्फ़िगरेशंस पे आपको क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन एडवांस पोस्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ सेट ग्रिड कॉलम विथ, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो, डिसाइड हाइएस्ट कितना कर सकते हो, मैक्सिमम ग्रिड विथ कैन नॉट बी मोर देन 8.75, यानी अभी क्या कर रखा है मैंने, 4.80 कर रखा है, तो मैं इसको बढ़ा के कितना कर सकता हूँ, 8.75 तक मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने किया 1.60, आपके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 8.75 से आप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, मैं यहाँ पे 2 कर लेता हूँ। यहाँ पे HSN का जैसे मैंने 1.20 कर दिया, इसके बाद इसका जो MRP का है 30 कर दिया, यहाँ पे भी मैंने 30 कर दिया, और ये सब कुछ सेटअप करने के बाद इसका हाईएस्ट कितना कर सकते हो आप, 8.75। यहाँ पे मैंने इसको सेट किया, ओके किया, ओके करने के बाद सेव कर दिया, यहाँ से भी सेव कर दिया। अब इसके बाद मैं बिल बनाने जाता हूँ तो मेरे सामने अभी आप देख पा रहे हो इस तरह की विंडो दिखाई दे रही है, लेकिन एंटर किया, पोस्ट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब आपकी विंडो किस तरीके से नज़र आ रही है, इस तरीके से। कैसे कि आपका जो आइटम का नाम है वो कितना काफ़ी स्पेस आपको मिल गया है, HSN कोड को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। इसके अलावा जैसे प्राइस का है, प्राइस का ज़्यादा बड़ा है तो इसको आप छोटा कर सकते हो। यहाँ पे HSN का मुझे बढ़ाना है और प्राइस का मुझे कम करना है, तो यहाँ से Alt+F प्रेस किया, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे मैंने क्लिक किया, सेल्स पे क्लिक किया, सीरीज मैंने सेलेक्ट करी, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन एडवांस पोस्ट ऑप्शन सेट कॉलम ग्रिड, इस पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका जो HSN नंबर है मैं क्या करना चाहता हूँ, 40 करना चाहता हूँ, और इसका मैं 40, यहाँ पे भी मैं 40 या 50 कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मैंने वापस से सेव कर दिया, सेव करने के बाद वापस से मैं चेक करता हूँ कि मेरा जो मैं जो चाहता हूँ उस तरीके से मेरे पास सेल्स का इनवॉइस बनाते टाइम पे स्पेस है या नहीं है। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने डेट एंटर करी, डेट एंटर करने के बाद जो मैं चाहता हूँ, जैसे जैसे मेरे पास स्पेस है
उसी तरीके से स्पेस है, आइटम का नाम भी मैं पूरा देख सकता हूँ और मुझे HSN कोड है, HSN कोड भी मेरे पूरे दिखाए में आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप सेल्स और परचेज की विंडो को सेटअप कर सकते हो, खुद से सेटअप कर सकते हो। जो भी आपका जैसे बहुत से आइटम है बड़े रहते हैं और बहुत से पार्टियों का मैंने देखा है सेल्स इनवॉइस बनाते टाइम पे उनके आइटम पूरे दिखाई नहीं देते। जैसे किसी भी प्रोडक्ट का आप अगर नाम लिखते हो, जैसे कुछ भी मान लेते हैं शांति अमला 50 ml 100 ml या किसी का कंपनी का नाम आगे लिखते हैं तो इस हिसाब से उसका नाम बड़ा हो जाता है। या फिर बहुत से प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जिनका नाम बड़ा रहता है तो उस केस में उस प्रोडक्ट का नाम पूरी तरह से दिखाई में नहीं आता और जो भी बिल बनाने वाला जो पर्सन है उसको काफ़ी तकलीफ आती है कि मुझे इस आइटम का मैंने नाम लिखा है, ये इस आइटम को बिल बनाया है या नहीं बनाया है। तो इस तरीके से आप कॉन्फिगरेशन कर सकते हो, सेल में कर सकते हो, परचेज में कर सकते हो। इसके अलावा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये जो फीचर्स है सेल्स ऑर्डर के अंदर भी है क्या, एक बार मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको सेल्स ऑर्डर में समस्या है तो आप वो भी चेक कर सकते हो, एक बार मैं चेक करके बता देता हूँ। यहाँ से मैंने सेल्स ऑर्डर सेलेक्ट किया, वाउचर कॉन्फिग्रेशन पे किया, पोज पे मैंने क्लिक किया, वाई किया, वाई करने के बाद आप देख सकते हो कि सेल्स के अंदर सेल्स ऑर्डर यानी जितने भी वाउचर्स आप बनाते हो पोस्ट के अंदर वहाँ पे सब जगह आप सेट ग्रिड कॉलम विड्थ पे आप क्लिक करके आपके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कितना आइटम का नाम कितना बड़ा आपको चाहिए, कितना बड़ा आप देखना चाहते हो, तो उस हिसाब से सेटअप कर सकते हो। जो भी सेल्स ऑर्डर, सेल्स परचेज ऑर्डर या फिर जितने भी तरह के एंट्रीज आप करते हो पोस्ट में वो सब कुछ आप कर सकते हो। तो दोस्तों अगर इस तरह की आप लोगों को दिक्कत थी तो आप इस वीडियो को देख के आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा अकाउंट श्योर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपके होने वाली समस्या वहाँ पर शेयर कर सकते हो। थैंक यू।